रतिराम वाटिका स्थित जगन्नाथ मंदिर में बृहस्पतिवार को जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव की शुरुआत हुई, जिसमें प्रमुख समाजसेवी कांग्रेस पार्टी के निकाय प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कमल दीवान की धर्मपत्नी रूहानी दीवान ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। वरिष्ठ अतिथि के तौर पर धनराज बंसल इस अवसर पर मौजूद रहे। स्वामी मुक्तानंद महाराज ने सभी भक्त जनों को आशीर्वाद दिया। वृंदावन से आए चित्र विचित्र ने श्री राधा कृष्ण नाम रस धारक में मैं कैसे जीऊं, राधा रानी तेरे बिना भजन पर शहरवासियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर मंदिर चौधरी प्रमोद गुप्ता, भूषण गुप्ता, कन्हैया गुप्ता, दीपक गोयल, प्रदीप तायल, योगेश गुप्ता, जयपाल कंसल, ललित शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। ये रहती है और सदा सदा ही उनका सहयोग हमें मिल करके उनका स्वागत करें, अभिवादन करें। आप जोरदार तालियों से मीनाक्षी गुप्ता जी, संतोष साहेब जी अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं वो तुरंत मंच के नजदीक से मंदिर पंचायत के उनके बच्चे उनके परिवार से जो भी आए हैं उनका स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। उद्योगपति हैं, समाज सेवी हैं, मैं निवेदन करूंगा श्री प्रमोद भटका अशोक गर्ग जी को पहना करके उनका स्वागत करें, अभिवादन करें और हम बीच में से हटते हुए कुछ क्षणों में आप प्राप्त कर सकते हैं महाराज जी के श्री मुख से गाए हुए भजन एवं महाराज जी के श्री मुख से गाई हुई दिव्य भक्तमाल का। दर्शन देने के लिए भक्तों के भद्र में जाते हैं, ऐसा रस्मे दिव्य स्वरूप है। तो यह पवित्र परिसर आपके लिए जगन्नाथपुरी ही मानो चार धाम हैं, श्री द्वारिकापुरी, श्री जगन्नाथपुरी, श्री बद्रिका आश्रम, श्री रामेश्वरम। उसमें से आप भक्तों पर बीज के जाने आपके पूर्वज कितने पुण्यशाली रहे होंगे, उनके भजन प्रताप में कितना बल रहा होगा। इन चारों धाम में से जगन्नाथ धाम यहाँ प्रकट है। बिहारी अवलोकत रहे तेरे सखी सुख के अधिकारी उत्तम भोग लगाए मोर मरकट दिल कोसे नृपति द्वार ठाड़े रहे और दर्शन आशा जान सुखे पूजा मूलम गुरु परम परम मंत्र मूलम गुरौर वाक्य राधा 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 राधा
संत वैष्णव वृंद श्री जी के नाम का भजन करते हैं। वृंदावन की वृंदावन का कणकण राधा रानी के नाम का भजन कर रहा है, लेकिन एक कोई और है जो एकांत में बैठ के श्री जी के नाम का भजन करना है। कौन करता है? राधा राधा राम स्वयं रखते मोहन।